टोटेलिटेरियन रिजीम्स आर गोइंग टू कम अप अपोटेलिटेरियन रिजीम का मतलब ये होता है एक बंदे के पास में टोटल पावर है और वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरह रूल कर रहा है ये एक फार राइट right आइडियोलॉजी होती है जिसको नात्सिज्म या फासिज्म भी कहा जाता है इट इज द मोस्ट एक्सट्रीमेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म वेयर इन यू विल नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द ओपिनियन ऑफ द पीपल बट द आइडिया इज दैट यू आर एब्सोल्युटली स्टक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ठीक है तो आपका लैंड रिलेटेड नेशनलिज्म है लोगों से कम लेना देना होता है इसका ठीक है कीपिंग दैट इन माइंड स्टूडेंट्स हम देखते हैं वर्ल्ड बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर बात करी जाए तो टोटेलिटेरियन रिजीम्स बन रही हैं और टोटेलिटेरियन रिजीम्स के तहत हम पढ़ेंगे नाजिज्म एंड फासिज्म बिफोर वी टॉक अबाउट दैट वन पॉइंट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू वॉज द इमरजेंस ऑफ रशिया

और कम्युनिज्म के अंदर ये बिलीव करते थे और इस वजह से सोवियत रशिया एंटी इंपीरियलिस्ट भी था जिस भी पावर को ये इंपीरियलिस्ट मानता था जैसे कि ब्रिटेन हो गया फ्रांस हो गया उनके अगेंस्ट बात करते थे कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट बात करते थे और इसी वजह से इन्होंने इंडिया तक के फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया है और इंडिया भी रशियन रेवोल्यूशन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था अब बची हुई यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करी जाए तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड हमारा दो ग्रुप में टूटा हुआ था इस टाइम पर एक ग्रुप है आपका सोवियत रशिया और उसके साथ जो कम्युनिस्ट कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, जो कि हमने कॉमन टर्न के कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी पढ़ा है व्हेन आई हैड स्पोकन टू अबाउट द राइज ऑफ लेफ्ट इन इंडिया ठीक है ऑन द अदर हैंड देयर इज सेकंड ग्रुप हु आर नॉट एट ऑल in the interest of adopting the left ideology and most of the western european countries are in this group hence when you talk about the rise of nazism and fascism the only reason why they became so powerful is going to be because of the support of these western european countries who do not want to walk the path of the russian revolution